गुलबर्गा शहर के टीपू सुल्तान चौक आजादपुर रोड पर मौजूद लहम फैमिली रेस्टोरेंट को एक्सटेंड कर कुछ न्यू डिशेस लॉन्च किए गए हैं। आज से 9 महीने पहले आजादपुर रोड पर लहम फैमिली रेस्टोरेंट ओपन किया गया था और काफी कम वक्त में इस रेस्टोरेंट ने शहर में धूम मचा दी है। लहम फैमिली रेस्टोरेंट में कुछ ऐसे बेहतरीन जायकेदार डिशेस बनाए जाते हैं जो आपको किसी दूसरे रेस्टोरेंट में खाने को नहीं मिलेंगे। इस रेस्टोरेंट में कस्टमर्स का बेहतर रेस्पॉन्स देख एक एक्स्ट्रा एसी सेक्शन बनाया गया है जो एक्सक्लूसिव फैमिलीज के लिए अवेलेबल रहेगा। शहर की कई मोतेबर शख्सियात इस रेस्टोरेंट के डिशेस को पसंद कर हमेशा खाने आया करते हैं। लहम फैमिली रेस्टोरेंट में एसी फैमिली सेक्शन को एक्सटेंड कर मटन मदफून, मटन अफगानी, मटन मनसफ, समक स्पाइसी फिश नामी कुछ स्पेशल डिशेस लॉन्च कर रेगुलर कस्टमर्स को इनवाइट किया गया था। आपको इस रेस्टोरेंट में बोरमा मंदी, मटन मदफून, मटन मनसफ नामी कुछ ऐसे जायकेदार डिशेस मिलेंगे जो सिर्फ गुलबर्गा शहर के लहम रेस्टोरेंट में बनाए जाते हैं। और सबसे खास बात, इस रेस्टोरेंट में कोई बावर्ची अपॉइंट नहीं किया गया है। खुद होटल के ओनर्स सऊदी से सीख कर गुलबर्गा शहर के आवाम के लिए तमाम जायकेदार डिशेस बना रहे हैं। इस प्रोग्राम में एज ए रेगुलर कस्टमर जनाब बाबा नजर मोहम्मद खान, असगर चुलबुल, हाफिज इस्माइल शेख, अयाज खान, गौज मत्तेमोड़, अली मिलाही, मोहम्मद मुजीब, हचम जानी, फुरखान महाराजा होटल, अब्दुल अलीम, चांद खादरी जिलानी और दीगर कई कस्टमर्स को इनवाइट किया गया था। तमाम मेहमानों ने रेस्टोरेंट में लॉन्च की गई न्यू डिशेस का जायका लेकर आप तमाम से एक बार ज़रूर लहम रेस्टोरेंट को विजिट करने की गुजारिश की है। इस रेस्टोरेंट में संडे और सैटरडे स्पेशल मस्तानी मंदी बनाई जाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लहम रेस्टोरेंट को विजिट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि 9 महीने पहले जो है ये लहम रेस्टोरेंट जो है आज़ादपुर रोड पे जो ओपनिंग हुआ था, आज जो है इसी होटल में कुछ हिस्सा जो है नया जो है एसी फैमिली के लिए बनाया गया है कि हमारे को जो है बुलाकर जो है यहाँ एक ऐसे डिशेस को जो है खिलाया गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सऊदी में खाए थे हम और जो है बड़े सिटीज़ में मेट्रोज में जैसा हैदराबाद में खा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज गुलबर्गा में जो है हमें ये दस्तियाब है। और बिलखसूस आज के जो डिशेस हैं जिसमें मनसब एक डिश है गोश्त में है वो भी, और एक जो है मटन अगवानी है और जो है मदफून है, ये जो है एक तीन डिशेस जो है इतने शानदार टेस्ट में बने हैं माशाल्लाह। मैं अल्लाह से दुआ गूँ कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए और बिलखसूस हमारे सलीम भाई और उनके बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, मैं उनके हक़ में भी दुआ करूँ कि अल्लाह ताला इनकी मेहनत का फल मीठा मिले। और मैं अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ आखिरी में एक टाइम लहम रेस्टोरेंट जो आज़ादपुर रोड पे है, मैं गुजारिश करता हूँ कि एक टाइम आके नया जो टेस्ट जो डिशेस का जो आप लोग ईजाद किए हैं आप आके टेस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ लहम रेस्टोरेंट आज़ादपुर रोड पर एक नए जो डिशेस नया जायका यहाँ पर आसिफ साहब और उनकी पूरी टीम उनके वालिद मोहतरम के सरपरस्ती में ये जो चल रहा है उसमें मनसफ और मटन अफगानी हमने इसका जायका टेस्ट किया और भी हमारे कई एक साथी इस वक्त मौजूद थे। बहुत ही लजीज और उम्दा मैं समझता हूँ कि गुलबर्गा में ऐसा जायका आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ख़ासकर मनसफ और मटन अफगानी। साथ ही साथ ये मुदफन और बोरमा ये भी हमने इसको भी टेस्ट किया, ये तो आप खा ही रहे हैं, इसमें और उन्होंने लजीज पन लाया है इसको। और साथ ही साथ वीकेंड स्पेशल और चिकन मस्तानी भी यहाँ पर उन्होंने देने का तहखुन दिया है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांड हो रही है। मैं देख रहा हूँ चिकन, मैं ख़ुद भी कई मरतबा यहाँ से फ़िश पार्सल ले जाता हूँ और बहुत कम वक्त में इन्होंने बहुत ज़्यादा शहर गुलबर्गा में मकबूलियत पाई है। और मैं दुआगो हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इनके इस जो इनका जो रेस्टोरेंट है इसमें बरकत दे और मज़ीद इसमें तरक्की अता फरमाए। और शहरान गुलबर्गा से ख़ास कर मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो इस मौके को अपने हाथ से जाना ना दे, ज़रूर
एक मर्तबा आप यहाँ पर ये जो डिशेस मैंने मनसफ मटन अफ़गानी मुदफन बोरमा ये जो आइटम्स हैं इसको आप ज़रूर आकर के आप जायका इसका लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि कितने लजीज और उम्दा यहाँ पर डिशेस बनाए जा रहे हैं। हम अक्सर ये देखते हैं कि हम हैदराबाद और दीगर जगहों पर जाकर खाना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे यकीन है और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप ज़रूर एक बार अगर यहाँ पर ये डिशेस को आप इसको टेस्ट करेंगे तो आप हैदराबाद और दीगर इलाके जगहों पर जाने को आप छोड़ देंगे। आज हम यहाँ पर लहम फैमिली रेस्टोरेंट पर यहाँ पर आए थे। ज़्यादातर लोग अरबी खानों को हम ज़्यादातर पसंद करते हैं जब भी बाहर जाते हैं, तो अभी गुलबर्गा में भी ये क्रेज़ शुरू हुआ है जो लहम फैमिली रेस्टोरेंट है जो बिल्कुल आज़ादपुर रोड पर, जहाँ पर बहुत ही अच्छा अरबी फूड आपको मिलेगा जिसके अंदर आपको मनसफ मिलेगा और मटन अफ़गानी मिलेगा और मदफून मिलेगा और बोरमा मिलेगा। बोरमा इतना टेस्टी है, मैं रियली जो मैं बाहर खाया था खाना वो यहाँ पर खाने में मिला है मुझे, और तकरीबन हम सब साथ में यहाँ पर जितने भी लोग खाए हैं सब लोग यही तारीफ़ कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर फूड है। तो आप ज़रूर यहाँ पर आकर टेस्ट करें, और इनके पास संडे स्पेशल फ्राइडे स्पेशल भी है और अलग अलग डेजर्ट्स भी है, तो आप ज़रूर यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो ज़रूर विज़िट करिए लहम फैमिली रेस्टोरेंट आज़ादपुर रोड मेन रोड गुलबर्गा। आज लहम रेस्टोरेंट फैमिली रेस्टोरेंट जो आज़ादपुर रोड पर है, तकरीबन लोगों को ये मालूम है कि लहम रेस्टोरेंट तकरीबन एक साल हो गया है ओपन हो के, और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग अच्छे से अच्छा टेस्ट दे रहे हैं पूरे गुलबर्गे की आवाम को। और आज भी हम लोग कुछ नए डिश ट्राई करे हैं जो ये लोग लॉन्च किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से अच्छे अच्छे टेस्ट खाने को मिले हैं। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपके कारोबार में खैर और बरकत दे। टीपू चौक के अनकरीब आज़ादपुर रोड पर अलहम फैमिली रेस्टोरेंट जो एक साल के दरमियान हो गया है चालू होकर, लेकिन अब इसी के साथ साथ कुछ दो चार रूम थे, लेकिन आज फैमिली रेस्टोरेंट जो एसी रूम्स हॉल और पर्दे का बाखूबी इंतज़ाम किया गया है, और उसके साथ साथ यहाँ पे अलहम रेस्टोरेंट में एक आपको उंदे से उंदे डिश मिलेंगे खाने के लिए बेहतरीन, जो सऊदी अरबी में जो आपको डिशेस मिलते थे, लेकिन आज अल्लाह के फजलो करम से हमारे सैयद सलीम भाई के तरफ से जो गुलबर्गा में भी जो अच्छे अच्छे डिश खाने को आपको मिलेंगे, लिहाजा मैं तमाम अवामुन्नास से गुजारिश करता हूं कि वो आप तमाम लोग यहां पर एक बार आकर अगर खाएंगे तो मैं आपसे दावा करता हूं कि वो बार बार आकर यहां पर खाएंगे। लहम होटल में और लजीज खाने के लिए न्यू डिशेस स्टार्ट किए हैं, उसमें से हैं मनसफ मटन अगवानी मुदफून बोरमा, और वीकेंड्स में मिलेगा आपको चिकन मस्तानी जो लजीज। आज तक गुलबर्गा में ये फूड अवेलेबल नहीं है, ये होटल से स्टार्ट हो रहा है जो कि गुलबर्गा में इतना लजीज और टेस्टी फूड नहीं अवेलेबल है। लाहम आके एक बार आप टेस्ट कर सकते हैं, अवेलेबल है आज़ादपुर रोड पे। मैं अभी मेरे भाई और चाचा उनके साथ में यहाँ पर लहम होटल आया, और यहाँ का टेस्ट बहुत बेहतरीन है, और टेस्ट के अलावा भी यहाँ पर फैमिली के लिए काफ़ी अच्छी सहूलत है, और अभी जो है ना एसी रूम का भी जो है ना एसी डाइनिंग का भी जो है ना इंतज़ाम किया गया है, लिहाजा तमाम गुलबर्गा वाले और तमाम गुलबर्गा के आतराफ़ के लोग भी यहाँ पर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, और एक मर्तबा अगर आप आएंगे अपने फैमिली के साथ दोस्तों के साथ तो बार बार गुलबर्गा जब कभी भी आएंगे तो लहम आपको हमेशा याद रहेगा, और यहीं पर आकर आप अपना जो है ना फूड एंजॉय करेंगे। आज जितने भी हमारे खुशी से मेहमान आए थे मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और कंटिन्यू हमारे पास वो जो मेहमान हमारे थे वो कंटिन्यू हमारे रेस्टोरेंट में आते हैं और कंटिन्यू पार्सल लेके जाते हैं, उसी हिसाब से हम लोग जो है उनको हम यहाँ पे मेहमान खुसूसी पे यहाँ पे बुलाए थे और उनका इस्तकबाल किया,
मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे आप देख सकते हैं कि लहम रेस्टोरेंट में काफ़ी हमने इंटीरियर वगैरह काफ़ी अच्छा किया है, जब ऑन पब्लिक डिमांड पे किया है। जैसे फैमिली सेक्शन का काफ़ी मतलब थोड़ा सेक्शंस पब्लिक आ रही थी, जैसे कम पड़ रहा था, तो हमने क्या है एक्सटेंड करके क्या है काफ़ी अच्छा इंटीरियर दिया, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो डिशेज़ थे ऑलरेडी हमारे पास, जैसा बोरमा है, यमनी बोरमा है, और मफ़ून वगैरह जो हमने लॉन्च किया था, तो काफ़ी अच्छा डिमांड रहा कस्टमर्स का हमारे। इसी मुताबिक हमने देखा है कि कस्टमर का डिमांड ये था कि उनको मटन में कुछ नया चाहिए था, तो हम लोग जो है मटन अफ़गानी चालू किया है, मटन मनसफ चालू किया है, जो जॉर्डन की डिश है। तो इंशाल्लाह मैं जितने भी अपने कस्टमर्स हैं उनका इस्तकबाल करता हूँ मेरे रेस्टोरेंट में। काफ़ी अच्छा उनका रेस्पॉन्स रहा है, काफ़ी अच्छा प्यार रहा है, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ जैसा पहले प्यार था अभी भी वही प्यार बरकरार रखिए। जैसे यहाँ का जो एड्रेस है, टीपू चौक आज़ादपुर रोड लाइफ केयर ब्लड बैंक से पहले लहम रेस्टोरेंट यहाँ पे है, इंशाल्लाह आप आइए विज़िट कीजिए। लहम रेस्टोरेंट जिसका हमने 9 महीने पहले जिसका आगाज़ किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका एक नया फैमिली फैमिली सेक्शन स्टार्ट किया है, जिसके अंदर एसी सेक्शन है। उससे पहले हमारे पास नॉन एसी था, पब्लिक की डिमांड पर हम लोगों ने एसी सेक्शन स्टार्ट किया है, और पब्लिक की डिमांड पर हम लोगों ने कुछ डिशेस का भी आगाज़ किया है। और यहाँ पर हमारे पास जितने भी गेस्ट आए हुए थे, मेहमान खुसूसी, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। लाम मंदी और सऊदी अरब का जो भी खाना है यहाँ पे मिलेगा, आप लोग आइए। जहाँ भी मेरे भाई बिरादर दोस्त अहबाब जो भी देख रहे हैं, और खाने के बाद आप लोग बार बार आएंगे यहाँ पे, और मेरा इतना जो है ना बोलना काफ़ी है आपके लिए। और जहाँ भी हैं वो आइए, और मेरे भाई छोटे लाम होटल है इनका, यहाँ पे आके आप जो है ना ज़रा मज़ा लीजिए। और सबको मेरी तरफ़ से सलाम और दुआ।